दोस्तों ये चावल का आटा है ना, इसमें आज पूरी बनाएंगे। अभी लड़की देखो कैसे निकाल रहा है इसको। ये पूरी बनाने के लिए देखिए, ये चावल का आटा ले लिया है और इसमें क्या करेंगे, इसमें गेहूं का आटा भी ले लेंगे। उतना मत लेना, उतना मत लेना, फिर क्या मजा नहीं आएगा खाने में। बने तो थोड़ा अच्छा भी लगे ना चावल का आटे का। हाँ, ये चावल काटे का इतना ले लिया है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। मेरे हिसाब से चावल का आटा थोड़ा कम पड़ गया और थोड़ा सा चावल का आटा होना चाहिए था। ये देखिए, ये दोनों का कलर अलग अलग जा रहा है। चावल का आटा सफ़ेद हो रहा है और गेहूं का आटा थोड़ा सा ब्राउन टाइप का दे रहा है। ये देखिए, ये छिड़क दिया, दिख रहा है आपको? तो देखते हैं इसका पूरी बनाते हैं आज, कितना मस्त लगता है। और हालांकि मैं ना चावल का जो एक राइस बॉन ऑयल करके अपने लोगों ने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो भले आप गूगल सर्च करके देख लेना कि राइस बॉन ऑयल कितना अच्छा है, क्या है। तो मैं राइस बॉन ऑयल का मतलब राइस बॉन ऑयल ही इसमें तेलूंगा, तो जो पूड़ी बनाने का जो स्वाद है ना, और मज़ा आएगा। क्यों? चावल का आटे का पूड़ी, आप समझो कि कितना अच्छा होगा। तो देखते हैं, अभी इसको पानी लेके इसको घूनते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो में दिखाऊंगा पूड़ी कितना अच्छा बनता है, कैसा बनता है, सारे चीज़ में आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए जब तक पूड़ी बन रहा है, उससे पहले मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देवे, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसको दबा देवे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सर्वप्रथम या सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए। तो देखते हैं आगे पूरी कैसे बनता है। ये चावल का आटा और गेहूं का आटा दोनों को ये भुना जा रहा है दोस्तों। तो जब तक ये भून के तैयार हो जाता है, इसको भूनने के बाद थोड़े देर रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो इसके अंदर जो गेहूं के अंदर क्या है, चीट ज़्यादा रहता है, इसके अंदर चीट कम रहता है। तो इसको चीट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के इसको गीला करके रख देंगे, इसको पीस के थोड़ी देर रख देंगे, ताकि ये बहुत अच्छा बनेगा इसका पूड़ी। उसके लिए थोड़ी देर रख देंगे। तो जब तक ये आटा घून के पूरा तैयार हो जाता है, तब तक के लिए आपके लिए थोड़ा सा मैं आपको काम बताऊंगा। वो काम ये है कि ये वो काम आपका पुण्य का ही काम है, जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो काम आपके पुण्य का ही काम है। और पुण्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो है ना मेरा, इसको लाइक कर दो, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी व्यक्ति नया मेरे वीडियो को देख रहा है, वो व्यक्ति प्लीज मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दो, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो बनेगा वो वीडियो आपको देखने को मिले। और चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे देखूँगा कि कैसे बनता है। इसको थोड़ी देर अभी गूंदने के बाद रख देंगे और वो आगे का हाल में आपको दिखाऊंगा। ओके, चावल का आटे का पूड़ी बनाने के लिए इसको ऐसा बना लिया है। अब देखते हैं, इसको गोले बनाते हैं। गोले बनाने के बाद इसको बेलते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए ये कैसे बेला रहा है, क्योंकि इसको बहुत देर तक हमने रखा था। चावल का आटा जो मतलब बराबर ये नहीं होता है उसके कारण ना, तो अब इसको तेल में तेलेंगे। ये चावल का आटा का पूड़ी है ना, अब इसको क्या है कि जैसे लोहा होता है ना, जब लोहा गर्म होता है उसी समय हथौड़ा मारना चाहिए, उसी प्रकार तेल जब गर्म होता है ना तो उसी समय डालना चाहिए। अब देखते हैं इसको तेल में डालते हैं, अब ये ऊपर आता है या नहीं आता है ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये चावल का आटा का रोटी है, ये देखिए कैसे फूल गया, देखो कितना मस्त तरीके से इसको फुला दिया। मतलब अपन जो चावल खाते हैं ना, चावल का आटा का पूड़ी भी बना के खा सकते हैं। ये देखिए, अब इसको पलटा दिया इधर से, देखो ये मस्त तरीके से बन गया। ये चावल का आटे का पूड़ी है, क्योंकि चावल के अंदर उतने फाइबर पाई नहीं जाती, और फाइबर नहीं है इसलिए इसके अंदर वो उतना अठवा नहीं है।
आटा नहीं है इसीलिए पूरी चावल के आटे में जो मैंने अपन ने आटा मिलाया था ना उसी प्रकार आटा मिला के ही करना चाहिए। और ये देखिए ये चावल का आटे का ये पूरी बनके बिल्कुल तैयार हो गया।